हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, सन 2018 का रिग्जेविक ओपन टूर्नामेंट 6 मार्च से आइसलैंड की राजधानी रिग्जेविक में हॉप कॉन्सर्ट हॉल और सम्मेलन केंद्र में शुरू हो चुका है और इस साल टूर्नामेंट को बॉबी फिशर मेमोरियल के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो कि चेस के 11th वर्ल्ड चैंपियन की याद में है। बॉबी फिशर ने अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रिग्जेविक में ही जीता था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन रिग्वेजिक में ही बिताए थे। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें से दो की रेटिंग तो 2700 प्लस है। और इस टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर्स में शुमार है पावेल एलेजनोव, रिचर्ड रिकोपोर्टा, गेटा काम्स्की और अदली अहमद हैं। और भारत से अधिबन भास्करन इस टूर्नामेंट में टॉप रेटेड प्लेयर हैं और भारत से कुछ और खिलाड़ी भी गए हैं, ग्रैंड मास्टर वैभव शूरी, इंटरनेशनल मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद और निहाल सरीन भी। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में 9 राउंड्स होंगे और हर एक गेम की पहले 40 मूव्स के लिए 90 मिनट का समय दिया गया है और फिर खेल के अंत तक 30 मिनट हैं, जिसमें पर मूव 30 सेकंड्स का इंक्रीमेंट भी है। और इस टूर्नामेंट के रूल के अनुसार आप 30वें मूव तक ड्रॉ ऑफर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी टूर्नामेंट के पहले राउंड की गेम है, जो खेली गई थी लार्स लॉस्टेन और निहाल सरीन के बीच में। फ्रेंड्स, लार्स डेनमार्क के ग्रैंड मास्टर हैं और उनकी रेटिंग 2201 है और वहीं निहाल सरीन भारत से खेलते हैं और उनकी रेटिंग इस टूर्नामेंट में 2534 है। तो इन दोनों की रेटिंग्स में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। तो आइए आज इस सीधा एक्साइटिंग गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की लार्स लॉस्टेन ने d4 के साथ, e6, c4, b6, e4, बिशप b7 और निहाल सरीन ने यहाँ क्वींस इंडियन डिफेंस खेला, बिशप d3, नाइट c6, नाइट f3, नाइट b4, वाइट कैसल्स, नाइट टेक्स d3, क्वीन टेक्स d3, d6, ताकि ये ई पॉन आगे ना बढ़ सके। फ्रेंड्स, यहाँ तक की गेम में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ब्लैक डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा पिछड़ रहा है। नाइट c3, g6, d5, बिशप g7, d takes e6, f takes e6 और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक के लिए g5 स्क्वायर काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ अगर वाइट चाहे तो इस g5 स्क्वायर पर अपने इस नाइट या फिर इस बिशप को प्लेस कर सकता है। आइए दोनों की कैलकुलेशन को एक एक कर समझते हैं। यहाँ अगर वाइट करता है नाइट g5 तो उसका अटैक इस e6 पॉन पर होगा, तो उसका डिफेंस के लिए यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन आगे बढ़नी होगी, क्वीन d7, लेकिन उसके बाद क्वीन h3। और अब अगर यहाँ ब्लैक को इस पॉन को बचाना है तो उसे अपने बिशप को वापस c8 स्क्वायर पर लेना होगा और ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ता ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ लॉर्ड्स ने किया बिशप g5, डायरेक्ट क्वीन पर अटैक, नाइट e7, रूक d1, ब्लैक कैसल्स और यहाँ ब्लैक को ये f5 सेमी ओपन मिल गई है, नाइट d4, e6 पॉन पर अटैक, तो उसका डिफेंस क्वीन d7, क्वीन h3 और अब यहाँ ब्लैक को अपने इस e6 पॉन का डिफेंस करना है तो उसे अपने बिशप को वापस c8 स्क्वायर पर रखना होगा, क्वीन h4, नाइट पर प्रेशर, तो यहाँ निहाल ने इस नाइट को c6 स्क्वायर पर प्लेस किया, नाइट टेक्स e6, क्वीन टेक्स e6, c4 पॉन पर अटैक। लेकिन यहाँ पहले लॉर्ड्स ने किया रुक d3 और उसका इरादा अपने इस रुक को h3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ को चेकमेटिंग थ्रेट बनाने का है। और अगर यहाँ ब्लैक इस c4 पॉन को लेता है तो उसके बाद रुक h3, h7 पॉन पर चेक की थ्रेट, तो उसके लिए यहाँ ब्लैक को करना होगा h5, लेकिन इस पॉन को डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ वाइट कर सकता है g4। और अगर ये वेरिएशन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लेकिन बैलेंस बनी रहेगी। यहाँ ब्लैक कर सकता है e5। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के लिए एक और इंटरेस्टिंग मूव निकल कर आ सकता है। ब्लैक अगर यहाँ चाहे तो अपने बिशप को b7 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है और इसका इरादा यहाँ इस ई पॉन को हटाने का होगा ताकि वो सीधा यहाँ चेकमेट की थ्रेट बना सके। और यहाँ से अब अगर गेम आगे बढ़ेगी तो वाइट यहाँ कर सकता है, सपोज वो करता है b3, तो उसके बाद बिशप टेक्स c3, रूक टेक्स c3, क्वीन टेक्स c4, क्वीन टेक्स c4, बिशप टेक्स c4 और यहाँ ये पोजीशन थोड़ा ब्लैक के फेवर में होती। लेकिन यहाँ निहाल की प्लानिंग कुछ और ही थी, उन्होंने यहाँ अपने रुक को f7 स्क्वायर पर प्लेस किया और उसके बाद यहाँ वाइट ने अपने इस b4 पॉन का डिफेंस किया b3।
बिशप B7 और यहाँ निहाल सरीन ने वही थ्रेट दी जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो यहाँ वाइट ने पहले ही किया F3, A6, किंग H1, B5, C takes B5, A takes B5, रुक C1, क्वीन पर अटैक की तैयारी। लेकिन यहाँ निहाल ने किया B5, नाइट पर अटैक बनाया और वाइट के इस नाइट को जाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर है E2, ताकि वो इस रुक का भी डिफेंस कर सके। क्वीन पर अटैक, क्वीन B5, टारगेटिंग दिस रुक, रुक D2, D5, E takes D5, और यहाँ इस D5 पॉन को ब्लैक को किससे लेना चाहिए, अपने इस बिशप से या फिर इस ई पॉन से। अगर यहाँ ब्लैक इस पॉन को बिशप से लेता है तो उसका यहाँ E6 स्क्वायर पर एक आइसोलेटेड पॉन क्रिएट हो जाएगा, तो वो मूव तो कुछ खास अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ निहाल ने इस डी पॉन को ई पॉन से लिया E takes D5। नाइट D4, वापस क्वीन पर अटैक, तो उसका डिफेंस क्वीन B6। फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक यहाँ कर सकता है C5, नाइट पर अटैक बनाएगा, लेकिन उसके बाद नाइट E6, और ब्लैक को यहाँ मौका मिलेगा अपने बिशप को C3 स्क्वायर पर प्लेस करके इन दोनों रुक्स पर अटैक बनाने का। लेकिन उससे पहले यहाँ वाइट कर सकता है नाइट D8, रुक takes D8, बिशप takes D8, क्वीन पर अटैक, क्वीन B5, रुक E2, बिशप takes E1, क्वीन takes E1, और यहाँ ये गेम काफ़ी बैलेंस होती। लेकिन वाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये D5 पर बैठा एक पासर है। लेकिन यहाँ वाइट ने कुछ ओवर एम्बिशियस मूव चला, उसने अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उसका इरादा यहाँ किसी तरह से एक डिस्कवर्ड अटैक क्वीन के ऊपर बनाने का है। लेकिन उससे पहले यहाँ निहाल ने किया रुक E8, और ब्लैक यहाँ वाइट के किसी भी पीस को सेटल नहीं होने दे रहा है। क्वीन F2, C5, नाइट पर अटैक, नाइट E2, और यहाँ गेम का सारा फोकस इस C5 पॉन पर है। लेकिन उसका डिफेंस D4, बिशप पर अटैक, बिशप G5, H6, बिशप पर अटैक, बिशप H4, G5, बिशप G3, और फ्रेंड्स यही वो वाइट की गलतियाँ हैं जिसकी वजह से उसकी पोजीशन मूव बाय मूव खराब होती चली गई। यहाँ अब इस बिशप को जाने के लिए कहीं भी कोई खास स्क्वायर नहीं है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए यहाँ ब्लैक ने किया H5। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को अब इस बिशप को बचाना है तो उसे क्या करना चाहिए, या तो वो अपने इस एच पॉन को आगे पुश करे आइदर H3 और H4 स्क्वायर पर। अगर यहाँ वाइट करता है H3 और अपने बिशप को जाने के लिए थोड़ी जगह खोलता है, तो उसके बाद यहाँ ब्लैक के पास मौका होगा बिशप H6 करने का, और अब यहाँ ब्लैक थ्रेट देगा अपने इस जी पॉन को आगे पुश करके इन दोनों रुक्स पर अपने बिशप से टारगेट लगाने के लिए। तो वाइट के लिए बेटर होगा कि वो अपने एक रुक को कहीं हटा ले, वो अपने C1 रुक को E1 स्क्वायर पर ले जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी H4 बिशप पर अटैक होगा, और यहाँ बिशप के जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर H2, लेकिन उसके बाद G4 डिस्कवर्ड अटैक ऑन रुक। और जब तक वाइट इस रुक को बचेगा तब तक ब्लैक इस जी पॉन को आगे पुश करके बिशप और क्वीन पर डबल अटैक बना लेगा। तो यहाँ इसका डिफेंस वाइट अपने नाइट को बीच में ला के कर सकता है, सपोज वो अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर लाता है, लेकिन उसके बाद रुक takes E1, क्वीन takes E1, G3, बिशप और नाइट पर अटैक, और ये सिचुएशन ब्लैक के लिए क्लियर विनिंग है। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर वाइट करता है H4 तो ये मूव उसके लिए थोड़ा बेटर हो सकता है, और यहाँ से अब अगर गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक को करना होगा G4, F4, ताकि बिशप इस एच स्क्वायर पर आकर कुछ खास डैमेज ना कर पाए। बिशप A6, नाइट पर अटैक होगा तो नाइट G1, रुक F5, रुक E1, क्वीन C6। यहाँ वाइट आइदर इन रुक्स को ट्रेड कर सकता है या फिर वो अपने रुक को D1 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है, लेकिन उसके बाद इस गेम का सारा फोकस इस F पॉन पर आ जाएगा। क्वीन E4, किंग H2, बिशप H6, और अब यहाँ ब्लैक किसी भी तरह से इस F पॉन को नहीं बचा पाएगा। लेकिन फिर भी ये कंडीशन वाइट के लिए थोड़ी फाइट में रहने वाली थी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया रुक C2, और इस मूव को लॉस्टिन ने क्यों चला, यहाँ निहाल को मौका मिला D3 करने का, रुक और नाइट पर डबल अटैक। फ्रेंड्स, मैं इस मूव को इस गेम का ब्लंडर कहूँगा, और शायद वो यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज देख रहे होंगे। यहाँ वाइट ने किया रुक takes C5,
और उन पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि वो ब्लैक से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो यहाँ इस नाइट को अपने रुख से लेंगे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ ब्लैक इस नाइट को अपने रुख से लेता है तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ अगर ब्लैक करता है रुक टेक्स ई टू, वो क्वीन पर अटैक बनाने की कोशिश करता है, तो वाइट के पास यहाँ मौका होगा डिस्कवर्ड अटैक क्वीन पर बनाने का। वो यहाँ करेगा रुक सी एट चेक, किंग एच वन, क्वीन टेक्स बी सिक्स, और इस तरह यहाँ वाइट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसे यहाँ पर क्वीन मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्या कहूँ, ये कैलकुलेशंस उन्होंने किस तरह से की मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ ब्लैक को कोई ज़रूरत ही नहीं है उस नाइट को रुक से लेने की, वो यहाँ इस नाइट को अपने पॉन से ले सकता है डी टेक्स ई टू, और इस तरह यहाँ वाइट एक पूरा पीस डाउन हो चुका है और ये ई पॉन क्वीन बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर। और अगर यहाँ ब्लैक को इस पॉन को क्वीन बनने से रोकना है तो उसे यहाँ करना चाहिए था रुक ई फाइव, उसे यहाँ रुक एक्सचेंज का ऑफर देना चाहिए था, लेकिन इससे भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं बदलती। और यहाँ से अब अगर गेम आगे बढ़ती तो ब्लैक करता क्वीन डी एट, अपने रुक पर डिफेंस बनाता, लेकिन उसके बाद यहाँ वाइट इस पॉन को ले सकता था रुक टेक्स ई टू। लेकिन यहाँ वाइट ने इस गेम का एक और ब्लंडर किया, उसने यहाँ इस जी फाइव पॉन को लिया, और शायद यहाँ उसे इस जी फाइव पॉन को लेने की ज़रूरत नहीं थी, रुक टेक्स जी फाइव, और मैं इसे यहाँ क्वीन एक्सचेंज का ऑफर कहूँगा, जिसे निहाल सरीन ने हाथों हाथ लिया। क्वीन टेक्स एफ टू, बिशप टेक्स एफ टू, और यहाँ निहाल सरीन का फाइनल मूव, जिसे चलने के बाद लॉटसन ने यहाँ रिजाइन कर दिया। रुक डी सेवन, और अब यहाँ ब्लैक थ्रेट दे रहा है इस रुक से चेक देकर अपनी क्वीन प्रमोट करने की। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो वाइट को करना होगा रुक ई वन, लेकिन उसके बाद रुक डी वन, और यहाँ वाइट को चलने के लिए काफ़ी लिमिटेड मूव्स होंगे। सपोज़ वो यहाँ चलता है एच फोर, लेकिन उसके बाद किंग एफ सेवन, और यहाँ अब ये बिशप सी थ्री स्क्वायर पर जाकर इस प्रमोटिंग स्क्वायर पर काफ़ी प्रेशर बना देगा। फ्रेंड्स, इस गेम में निहाल सरीन ने क्वींस इंडियन डिफेंस खेला और इस गेम को उन्होंने काफ़ी आराम से काफ़ी इक्वल करके खेला, लेकिन लगभग 25th मूव के बाद जब सेंटर के पॉन ट्रेड हुए तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा एडवांटेज लिया डी फाइल पर एक पासर क्रिएट करने का, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 33वें मूव में एक नाइट अप हो गए, और उसके तीन मूव के बाद यहाँ निहाल सरीन ने लॉटसन को यहाँ रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में भारत से गए हुए यंगस्टर्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।